देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। यदि विद्यार्थियों में छुपी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित रूप से वह बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है और समाज को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सिंधी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूज जैकब आवाद पंचायत और जैकब आवाद ट्रस्ट के तत्वाधान में चौथवा विद्यार्थी सम्मान समारोह रविवार को पूज जैकब आवाद पंचायत भवन चवेरी कॉलोनी माणिक बाग रोड इंदौर पर आयोजित किया। दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ आयोजन का विधिवत शुभारंभ हुआ। पूज जैकब आवाद जिला सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पी एल राजा माधवानी, महासचिव कमल कुमार कस्तूरी, उपाध्यक्ष एवं सोशल शिक्षा कमेटी के संयोजक लालचंद टी वाधवानी एवं सरपंच गोपाल दास परियानी ने बताया कि आयोजन में कक्षा तीसरी से पांचवी तक 80% प्राप्त करने वाले एवं छठी से बारहवीं तक 70% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। लालचंद टी वाधवानी ने बताया कि आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में डीसीपी इंदौर पुलिस अमित तोलानी, डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर नटवर शारदा एवं क्षेत्रीय पार्षद कंचन गिदवानी उपस्थित थी। आयोजन के दौरान बच्चों से धार्मिक सवाल जवाब किए गए, सही जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। अतिथि स्वागत पीएल राजा माधवानी, गोपाल दास परियानी, कमल कुमार कस्तूरी, डॉक्टर जय कुमार परियानी, वासुदेव हरगुनानी, लालचंद टी वाधवानी, अमृत लाल हिरानी, मनोहर लाल पमनानी, अनिल कुमार पाहुजा, दीपक चंद चावला, सचानंद कामूरा, मुकेश सचदीप ने किया। इस अवसर पर पूज जैकब आवाद पंचायत जैकब आवाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ सोशल शिक्षा कमेटी के लालचंद टी वाधवानी, नंदलाल जामनानी, राकेश पंचवानी, संतोष रोपिता, मुकेश सचदेव, कमल आहुजा, जयपाल बजाज एवं नरेश मनकानी की सराहनीय भूमिका रही। प्रीति वलेजा अठे में टॉप आई एट्थ क्लास में प्रीति वलेजा गीतांजलि नाइन्थ क्लास में गीतांजलि ये असाजे भा राकेश पंजवाणी की न्याणी आए गीतांजलि राजा भाई दृष्टि हरगुनानी नाइन्थ क्लास में टॉप आई है। बारे में कब आ रहा है कशिश है उर्वशी बत्रा वो मेहरबानी करे स्टेज से टॉप अप जा वठी वे ने बाकी भी आए नाम बाद में सा दियो। हरीश वलवानी अची हरीश वलवानी क्लास ट्रेन जो बार जी वा ईशान अरुण चौथे क्लास बार ईशान अरुण अतुल अच्छे चौथे क्लास बार अतुल अच्छे अतुल चौथे क्लास सर आज जैकबाबाद पंचायत ने ये बच्चों के कार्यक्रम किया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जैकबाबाद पंचायत ने जो स्कूल के बच्चे हैं कॉलेज के बच्चे हैं उनमें जो सफल बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया उनको प्रेरित किया और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जिनको ज़रूरत है उनको दिया गया। इस तरीके का एक अच्छा कार्यक्रम भी रखा है। इसके लिए मैं जैकबाबाद पंचायत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा हमारी नौजवान पीढ़ी को आगे लाने के लिए प्रेरित करेंगे और आशा करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम और होते रहेंगे। वैसे तो दूसरे समाज में सब करते हैं, हम सिंधी समाज विगत कई वर्षों से हमारे ये पंचायत पिछली पंचायत सब ये जन ट्रस्ट मिल के हम हमेशा जो हमारे समाज के जो कीर्तिमानी बच्चे होते हैं किसी भी फील्ड में चाहे एजुकेशन फील्ड में हो चाहे स्पोर्ट्स फील्ड में किसी और एक्टिविटीज में उन्होंने अगर समाज का देश का नाम रोशन किया तो हम उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हर साल ये प्रोग्राम इनका करते हैं। उसके हमारे एक इधर जब पंचायत में कमेटी बनी हुई है एजुकेशन सोशल कमेटी जिसके संयोजक हमारे लालचंद जी वाधवानी और उसके साथ पूरी जयपाल बजाज और टीम के बहुत सारे साथी हैं जो इनके साथ विगत
पूरी मेहनत करके महीना दो महीना लगा के ये पूरी रूपे का तैयार करते हैं, उसके बाद ये प्रोग्राम होता है। आज अतिथि के रूप में कौन उपस्थित था कार्यक्रम? अतिथि के रूप में हमारे साथ है आज DCP इंदौर श्री अमित तोलानी जी और डायरेक्टर हेल्थ श्री नटवर शारदा जी और यहाँ इस क्षेत्र की पार्षद कंचन गिदवानी जी थे। 14 साल पहले अपनी पंचायत को सुझाव दिया था बच्चों को अपन प्रोत्साहन करें। 14 साल पहले मेरी पंचायत ने ये सुझाव माना और हम 14वां ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं। 3 से 5 पे 80% था, 6 से 12 तक 70% पे था, ये उन सभी को हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। ये हमारा 14वां ये हमारी सेवा जो है आज 50 साल हो रहे हैं एजुकेशन की। ये हमने 72 से शुरू की थी जेकब आबाद सिंध में, वो आज भी अपन ये सेवा कर रहे हैं और आज 120 स्टूडेंट को हमने प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मान किया है, जिसमें हमने एक ट्रॉफी भी दी है, एक गिफ्ट भी दी है, एक सर्टिफिकेट भी दिया है। देखा गया बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संस्था कार्य करती है? इसीलिए ही तो हम संस्था कार्य करती है, बच्चों को अपन उत्साह देंगे, जैसे प्रोत्साहन होगा तो ये बच्चे और धीरे धीरे परसेंटेज उनकी और ज्यादा आएगी, आगे चल के यही हमारे MP भी बनेंगे, CA भी बनेंगे और IPS ऑफिसर भी यही लोग बनेंगे।